कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा सिद्धो कविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं, अक्ल इसे माने या ना माने। ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। मैंने कबूल किया। बोलो शहनाज। अगर उसे रिश्ता मंजूर नहीं था तो साफ तौर पर इनकार कर सकती थी। अनु जो लड़की अभी भी यहां आई थी वो कहां गई? कौन सी लड़की? अनु जिसे तुमने अभी भेजा था अंदर लाल ड्रेस में। तो यही है वो लड़की, मैंने इसी को भेजा था। हाँ, ये बात सच है कि अब मैं जिस्म नहीं सिर्फ एक रूह हूं। यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूं, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों की तुमने खुदकुशी? नहीं अख्तर, मैंने खुदकुशी नहीं की, बल्कि मुझे मार दिया गया, मेरा कत्ल कर दिया गया। हाँ, और यही सच्चाई बताने के लिए आज मैं तुम्हारे पास आई हूं। कैसी सच्चाई शहनाज? अख्तर, मेरी मौत के बाद मेरे हाथ में जो गोलियों की शीशी पाई गई, वैसा ही जहर मेरे शरबत में मिलाया गया। शरबत में जहर? हाँ, और ये काम तब किया गया जब मैं अकेली थी, मेरे आसपास कोई नहीं था। तब जेबू आपा शरबत का गिलास लेकर मेरे कमरे में आई। इसका मतलब? नहीं अख्तर, नहीं, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। अख्तर, आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूं, अगर ये बात मुझे अपने जीते जी पता होती तो खैर, मेरे कत्ल की साजिश का सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन डॉक्टर साहब। सुल्तान साहब, आप आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, फिक्र की तो कोई बात नहीं? देखिए, जितना हमारे बस में था हमने किया, लेकिन अब दवा का वक्त जा चुका है, अब इन्हें दुआ की जरूरत है। मैं चलता हूं। अबूजान, अब जल्दी ठीक हो जाइए अबूजान। शहनाज, मेरी जान, मेरी लाडली, बेटा, बस इंसान यही आकर मजबूर हो जाता है बेटा। सुल्तान, कहीं मामू जान। सफर खत्म होने को है सुल्तान। ऐसा मत कहिए मामू जान, ऐसा ना कहिए। सुल्तान, अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। सुन मामू जान, आप ही ने तो हमारी जिंदगी को संवारा है।
इस यतीम को अपने सीने से लगाकर पढ़ाया लिखाया, अपनी बेटी सलमा का हाथ मेरे हाथ में दिया। मैं जो कुछ भी हूं मामो जान, आप ही की बदौलत हूं। नहीं सुल्तान, तुम जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी मेहनत और अल्लाह का करम शामिल है। सुल्तान, बस एक जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल रहा हूं। शहनाज अभी बच्ची है, बहुत छोटी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं सुल्तान, बहुत प्यार करता हूं। उसे संभालना तुम सुल्तान, जैसा कि तुम जानते हो मैंने इन दोनों बहनों के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। मैंने अपनी वसीयत में शहनाज का हिस्सा अलग कर दिया है, मगर तुम उसके ट्रस्टी गार्जियन हो। देख रहे सुल्तान, मेरी शहनाज से उसका हक कोई छीने न पाए। आप फिक्र न कीजिए मामूजान, जब तक आपका यह खादिम जिंदा है मैं किसी के हक तलफी नहीं होने दूंगा। बेटी सलमा, बेटी मेरे करीब और उसके बाद सलमा अपा मेरे लिए माँ बन गई और सुल्तान भाई ने बाप की जगह ले ली। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं बड़ी हो गई। कई जगह से मेरे लिए रिश्ते आने लगे, पढ़े लिखे शरीफ और अमीर घरानों से। मगर पता नहीं क्या बात थी कि सुल्तान भाई उन सब रिश्तों को ठुकराते रहे। एक दिन बड़ी हैरत की बात है, शहनाज के लिए जितने भी रिश्ते आए तुमने उन सबको नामंजूर कर दिया। क्या तुम्हारा इरादा शहनाज को कुंवारी रखने का है? नहीं सलमा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? अरे याद नहीं है तुम्हें क्या कॉल दिया था मैंने मामू जान को? अब हम अपने कॉल से कैसे फिर सकते हैं? अल्लाह ने हमें कोई औलाद नहीं दी, कोई गम नहीं मुझे इसका। शहनाज ही हमारे लिए अपनी औलाद की तरह है, लेकिन उसकी भलाई बुराई का मैं जिम्मेदार हूं, उसका बुरा मैं सोच भी कैसे सकता हूं। सलमा, ये जितने रिश्ते भी आए ना, मेरी नजर में उनमें से एक भी हमारी शहनाज के काबिल नहीं था। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि आप शहनाज से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं भी तो उसकी बड़ी बहन हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी शहनाज का निकाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। सुल्तान भाई, जज आरिफ महमूद अपनी बेगम के साथ हमारे घर तशरीफ लाए हैं। क्या जज साहब? सुल्तान, ये जज साहब हमारे घर क्यों आए होंगे, और वो भी अपनी बेगम के हमरा? ये तो मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात है। तो बाबा, आप नाश्ते पानी का इंतजाम कीजिए। जी, आप आइए मेरे साथ, चलिए। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप भाई मेरी बेगम। आदाब अर्ज है। आदाब। आप हैं सुल्तान साहब और इनकी बेगम। जी, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जज साहब, आप खुदा के इस गरीब खाने को रौनक बख्शेंगे हमने कभी सोचा नहीं था। नहीं सुल्तान साहब,
हमने इस घर में आके इस घर की रौनक नहीं बढ़ाई है, बल्कि हम इस घर की रौनक की तलाश में आए। जी मैं कुछ समझा नहीं। सुल्तान साहब, अल्लाह के फजल से हमारे फर्जंद अख्तर महमूद मियां कंप्यूटर इंजीनियर बन गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा मुसलसल तरक्की बख्शो ने। और अब हम उस रौनक की बात करते हैं जो इस घर में है। वो जहां भी जाएगी रोशनी ही रोशनी बिखेरेगी। जी भाई, मेरी मुराद नूरे चश्म शहनाज से है। अब ये ना कहिएगा कि उसकी खूबियों के बारे में मुझे कैसे पता चला। भाई देखिए, मुश नजर तो नहीं आती, मगर उसकी खुशबू हर जगह फैलती है। क्या हुआ सुल्तान साहब? जी दरअसल मैं अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने कोई गलत बात कह दी? जिने शाह साहब, आपका इतना ऊंचा घराना, आपका नाम, आपका रुतबा, हम क्या और हमारी औकात क्या? भाई सुल्तान साहब, जहां तक जर्फ और खानदान का सवाल है, आप भी शहर में किसी से कम नहीं हूं। और फिर मैं शहनाज को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। हाँ, अगर आपको मेरे साहबजादे के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है तो वो करके आप अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए। जी ये बात नहीं, मैं जानता हूं सुल्तान साहब कि शादी ब्याह के मामले इतनी जल्दी तय नहीं होते, पर फिर भी मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। ये कैसे हो सकता है जी साहब, पहली मर्तबा भाभी जान के साथ इस गरीब खाने तशरीफ लाए, बगैर कुछ ले नहीं जा सकते। भाई अभी नहीं सुल्तान साहब, इसके लिए हम कोई खास मौका देखेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं। आइए बेगम जी, बेहतर। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अच्छा, आइए। खुदा हाफिज। अरे जेबू आपा, आप वहां क्यों खड़े हैं? जाइए ना। आपा ऐसे क्यों देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि हमारी बेटी कितनी खुश है। हाँ जेबू आपा, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। क्या आप खुश नहीं है? आप हमारी खुशी की क्या कदर कीमत? ये क्या कह रही हैं आप पापा? सच्ची तो कहती हूँ मैं, इस घर में खुशियां तो उसी वक्त तक है जब तक कि तू इस घर में है। तेरे जाने के बाद ना जाने क्या होगा। किसी और का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर सुल्तान भाई। सुल्तान भाई? हाँ, जैसे जैसे तेरी शादी की तारीख करीब आ रही है, सुल्तान भाई ऊपर से तो खुश नजर आ रहे हैं, मगर लगता है अंदर ही अंदर कोई गम उन्हें खाए जा रहा है। जेबू आपा। हाँ शहनाज बेटी, मैं जानती हूँ सुल्तान भाई को, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे जाने के बाद न जाने उनका क्या हाल होगा। एक बात बताऊं, तुमने सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा, सुल्तान भाई के बारे में जरा भी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा जेबू आपा? जितना प्यार वो मुझसे करते हैं, उतना ही प्यार मैं भी तो उनसे करती हूँ। तो अब भी वक्त है, क्या तुम इस शादी से इनकार नहीं कर सकती? शादी से इनकार कर दूँ? हाँ, इस शादी से इनकार कर दो, मत छोड़ के जा इस घर को। जेबू आपा, ये आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं? इस शादी से इनकार करके क्या मैं हमेशा के लिए इसी घर में रह जाऊं? हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ, मत करिए शादी, मत छोड़ के जाए इस घर को,
तू हमेशा के लिए इसी घर में रहे, सुल्तान भाई से शादी करके। आपा ये क्या कह दिया आपने? सुल्तान भाई सिर्फ मेरी बहनों ही नहीं, वो मेरे लिए मेरे वालिद की तरह हैं। क्या कोई लड़की अपने वालिद से शादी करेगी? नहीं नहीं शहनाज बेटी, कितनी गिरी हुई और गलीज बात कही आज आपने मुझसे। और मैं ये जानना चाहूंगी कि ये बात आपसे किसने कहलवाई? सुल्तान भाई ने ना? नहीं नहीं, ये बात सुल्तान भाई ने नहीं कही, ये बात मैं अपने तरफ से कह रही हूँ। क्या जेबू आपा, जानती हैं मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत थी, मगर आपने जो भी कुछ मुझसे कहा उसके बाद आप मेरी नजरों में इस कदर गिर गई हैं कि हाय अल्लाह। शहनाज मुझे माफ कर दे, वो तो मैंने गलती से कह दिया। शहनाज शहनाज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैंने अनजाने में ये कह दिया, वो तो सुल्तान भाई को उदास देके मैंने बदहवासी में ही कह दिया। अल्लाह जानता है कि मैंने जानबूझ के नहीं कहा, मुझे माफ कर दे शहनाज बेटी। जेबू आपा, अगर आपकी जगह ये बात किसी और ने कही होती ना तो मैं उसे कभी माफ नहीं करती। अरे ऐसा मत कह, अल्लाह जानता है कि मैंने जानबूझ के नहीं कहा, वो तो गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी। उठिए। ठीक है, मैंने आपको माफ किया। मैं नहीं जानती कि किस जज्बे में आकर आपने मुझसे ये बात कही है, लेकिन एक बात याद रखिए। क्या बेटी? भूल जाइए कि आपने ऐसी कोई बात मुझसे कही भी थी, क्योंकि अगर इस बात की भनक भी सलमा आपा को लग गई तो। नहीं नहीं तू फिकर मत कर, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलेगा। अरे तूने मुझे माफ कर दिया, इसी में सब कुछ आ गया, मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? सुल्तान भाई समझ लो आफत आते आते टल गई। क्या कहा उसने? उसकी आंखों से तो अंगारे बरस रहे थे, शेरनी की तरह टूट पड़ी मुझ पर। अच्छा हुआ कि मैंने उसके कदमों में गिरकर उसे माफी मांग ली, वरना वो तो मेरा आज खून पी जाती। तो ये चिंगारी शोला बन गई है? शोला नहीं, ज्वालामुखी बन गई है वो। एक बात कहूं सुल्तान, तुमने इस काम में बहुत देर लगा दी। जब तक शहनाज का रिश्ता तय नहीं हुआ था ना, उसका दिल एक कोरे कागज की तरह था, मगर अब उस पर अख्तर मियां की तस्वीर छप गई है। अब तो इस घर में खुशियों के शादियाने बजेंगे, ढोल बजेंगे, मेहंदी लगेगी, और शहनाज दुल्हन की लिबास में तुमसे गले मिलकर इस घर से विदा होगी। खुद तो रोएगी मगर जाती जाती तुम्हें भी रुलाएगी, इस घर से अपने हिस्से की आधी जायदाद और आधी दौलत लेकर। हाँ जेबू आप, उसका हिस्सा तो उसे देना ही पड़ेगा, मामू जान की वसीयत तो पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन जेबू आपा, अगर हम वसीयत का जिक्र ही ना करें तो फिर उस वसीयत का जिक्र सलमा भी करेगी, और फर्ज करो अगर सलमा भी खामोश रही तो फिर शहनाज अपना हिस्सा खुद मांग लेगी। जानते नहीं किस घर में जा रही है वो, उसका ससुर जज है। नहीं जेबू आपा, मैं किसी भी हालात में जायदाद को पट्टे नहीं दूंगा। तो फिर क्या कर लेंगे आप? एक आखिरी कोशिश, तो बस एक ही रास्ता बचा है, आखिरी रास्ता। शहनाज तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं बाहर से आ रहे हैं? हाँ वो ये क्या है? दवा की शीशी है। किसके लिए? जेबू आपा के लिए। क्यों, क्या हुआ उन्हें? तबीयत ठीक नहीं रहती ना उनकी, मर्ज छिपाने की आदत है, तुम्हें तो पता है मेरे से उनका कोई नहीं, इसलिए मैं खुद ही डॉक्टर। भाईजान ऐसी क्या बात है, अच्छा लाइए ये मैं दे देती। नहीं, मैं खुद जा ही रहा था। भाईजान दीजिए।
दीजिए ना। अच्छा सुनिए, उनसे कहिएगा कि सुल्तान भाई ने भिजवाया है। कह दो। जेबुआपा, हाँ शहनाज। जेबुआपा आप भी कमाल की हैं। चाहिए हम आपसे बात नहीं करते। क्यों? क्या किया मैंने? आप बीमार हैं और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। मैं बीमार? हाँ, सुल्तान भाई ने हमें सारी बातें बता दी हैं। हाँ, वो क्या करूं? थोड़ी नरम गरम है मेरी तबीयत। लेकिन आपने हमें ये बताना जरूरी नहीं समझा। अब इसमें क्या बताना बेटी? खैर छोड़िए, ये आपकी दवाई है, सुल्तान भाईजान ने हमें आपको देने के लिए भेजी है। लेकिन ये दवाई आप अभी हमारे सामने खाएंगी। नहीं नहीं, ये दवा मैं कैसे ले सकती हूँ? मेरा मतलब है अभी कैसे ले सकती हूँ? ये दवा तो खाना खाने के बाद लेनी होगी ना। खाना खाने के बाद ले लूंगी मैं। पहले आप वादा कीजिए आप पक्का दवाई ले लेंगी। हाँ ले लूंगी, पक्का। वादा कीजिए पहले। वादा। ठीक है, ये लीजिए। शरबत है आपा, पकड़िए इसे, पकड़िए आपा। और शीशे में जहर की गोलियां, और ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। नहीं जेबू आपा, नहीं, अपने दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना होगा। जैसा मैंने कहा है वैसा कीजिए। चाहिए आप अरे चलो लड़कियों, बारात आ गई। अरे चलो 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 संभल के संभल के। हाय मेरी बेटी, दुल्हन के लिबास में तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बहुत थक गई होगी ना सुबह से। ये ले शरबत पी ले, तुझे राहत मिलेगी। शुक्रिया आपा। आपा आप? नहीं तुम ले लो। अख्तर महमूद इब्ने आरिफ महमूद, आपका निकाह शहनाज बानो बिनते मरहूम तारिक अली बेग के साथ बेवज़ मौजल नकद मेहर 5,00,000 रुपया सिक्का रायजुल वक्त के 2 गवाहों के आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। शहनाज बानो बिनते मरहूम तारिक अली बेग, आपका निकाह अख्तर महमूद इब्ने अख्तर आरिफ महमूद के साथ बेवज़ मेहरे मौजल 5,00,000 सिक्के राजुल वक्त 2 गवाह वकीलों की मौजूदगी में आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? Thank you.
आपने कबूल किया? बोलो शहनाज। आपने कबूल किया? बोलो शहनाज। शहनाज। शहनाज, 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 और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो तुम अच्छी तरह जानते हो। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि सुल्तान भाई और जेबू आपा मिलकर तुम्हारा कत्ल कर देंगे। हाँ, लेकिन वो दोनों ही मेरे कातिल हैं। किस नजरिए से देखती थी मैं उन लोगों को? अख्तर, क्या खून का रिश्ता ही रिश्ता होता है? अरे, जब इंसान एक जानवर को पालता है तो उसे उससे भी मोहब्बत हो जाती है। वो तो अपने पालतू जानवर को भी जहर नहीं दे पाता, पर ये लोग, इन लोगों ने तो इंसानियत की सारी हदों को तोड़ दिया है। मगर कानून की हदों को नहीं तोड़ पाएंगे ये लोग। मैं बात करूंगा अबू से। अख्तर अबू उनका क्या बिगाड़ लेंगे? क्या सबूत है, क्या सबूत है इस बात का कि सुल्तान भाई और जेबू ने ही मेरा कत्ल किया है? कौन गवाही देगा? नहीं अख्तर, कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे कातिल यूं ही आजाद घूमते रहेंगे, कोई सजा नहीं दी जाएगी उन्हें? सजा मिलेगी अख्तर, सजा तो जरूर मिलेगी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये सारी सच्चाई बताई है। लेकिन शहनाज, बगैर सबूत और बिना गवाह के हम लोग उन्हें कैसे सजा दिलवाएंगे? सबूत मैं दूंगी अख्तर, मैं अपने कत्ल की खुद गवाह हूँ, और वो दोनों अपने जुर्म का इकरार खुद करेंगे। लेकिन शहनाज, कैसे करेंगे? मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे। तुम अपने अब्बू के पास जाओ। चाचा साहब, आप? हाँ सुल्तान साहब। आदाब अर्ज है। आदाब। क्यों सुल्तान साहब, क्या हम आपके घर नहीं आ सकते? नहीं 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 चाचा साहब, ऐसी कोई बात नहीं। आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए। जी तशरीफ रखिए। शुक्रिया। दरअसल जब आप लोग पहली बार इस घर में आए थे तो शहनाज का रिश्ता, शहनाज हमारे मुकद्दर में नहीं थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप लोगों से हमारा रिश्ता आज भी कायम है। बहुत अजीम और नेक इंसान है आप लोग। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आप लोगों की? आदाब। आदाब। कैसी हो सलमा? कहिए कैसे आना हुआ? दरअसल हम आपसे कुछ मांगने आए। चाचा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा की कसम, जान मांग कर देख लीजिए। नहीं सुल्तान साहब, भाई अब आप कहिए इनसे। सुल्तान साहब, दरअसल अख्तर के लिए हमने एक घर में रिश्ता भेजा था। वैसे तो लड़की वालों को रिश्ता कबूल है, लेकिन लड़की देखने की रस्म अदायगी अभी नहीं हुई है। दरअसल बात यह है कि उनके घर में एक मौत हो गई है, इसलिए लड़की वाले चाहते हैं कि लड़की हम उनके घर के अलावा कहीं और देखें। तो इसलिए हमें आपका ख्याल आया कि अगर हम लड़की को यहीं इसी घर में देखें और इसी बहाने आप लोग भी देख लेंगे। चाचा
जैसा भी ये घर आपका है। शुक्रिया सुल्तान साहब, बस एक छोटी सी तकरीब होगी और उसमें कुछ कम ही लोग होंगे, पर कुछ खास लोग। तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा। इसमें तकलीफ कैसे जज साहब? आप तो मुझे शर्मिंदा करने पर आमादा है, ये तो हमारी इज्जत अफजाई होगी। तो ये तय रहा कि ये रस्म कल रात को यहीं होगी। जी बेहतर है। आइए कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदी। इनसे मिलिए, मेरे दोस्त हैं सतीश कुमार। जी आइए, चलिए तशरीफ रखिए। आइए आइए आइए। जी वाकई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए वर्मा साहब, तशरीफ लाइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सलमा कहाँ है? कहिए क्या नोश फरमाएंगे आप लोग? घर तो आपका है सुल्तान साहब, लेकिन खिदमत आज आपकी हम करेंगे। हमें तो इंतजार है बस उसका जिसे हम। अरे ये बिजली कैसे गुल हो गई? या अल्लाह। जेबू आपा, जरा मोमबत्ती ले आइए। जेबू आपा जरा शरबत भी ले आइए। वही शरबत जो उस रात मुझे पिलाया गया था। शहनाज, शहनाज मेरे पास बता। कहाँ है तुम्हारी वो साझीदार जिसने मुझे उस रात शरबत में जहर मिलाकर दिया था? बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। क्या हुआ सुल्तान? शहनाज तुम? हाँ से बुआपा, मैं। बाप ही थी ना जिसने उस रात मुझे शरबत में जहर मिलाकर दिया था, जिसकी वजह से मेरी मौत हुई थी। सुल्तान, ये तुम थे? तुम जिसने इस बदसात के हाथों मेरी बहन को जहर पिलाकर मरवा दिया? सलमा आपा, आप कुछ मत कहिए, ये दोनों तो मेरे मुजरिम हैं। जब तक मैं जिंदा थी, जिस्म थी, इसलिए कमजोर थी, लेकिन अब मैं एक रूह हूं, जिस्म की कैद से आजाद। अब मैं कमजोर नहीं बल्कि सारी ताकतों की मालिक हूं। अब मैं जो चाहूं कर सकती हूं। नहीं, नहीं शहनाज, मुझे माफ कर दो। नहीं, नहीं शहनाज, हमने गुनाह किया है, हमने गुनाह अजीम किया है, हम कबूल करते हैं। शहनाज पुराने रिश्तों का वादा हमें मुआफ कर दे। गुनाह किया है तो सजा भी भुगतनी होगी। मुझे मुआफ कर दे। बस मैं इतना जानना चाहती हूं
क्या आखिर तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? मामूजान ने इंतकाल के पहले अपनी वसीयत में ये जायदाद तुम दोनों बहनों के नाम कर दी थी, तो बहन के बाद आधी जायदाद तुम्हारी हो जाती, इसीलिए तुम बताओ। इसीलिए सुल्तान के कहने पे मैंने तुम्हें जहर दिया। सुल्तान, क्या ये सच कह रही है? हाँ, ये सच है। तो ये सच है कि तुम दोनों ही मेरे कातिल हो? अख्तर, मैं जानती हूं कि तुमने मुझे जी जान से चाहा है, लेकिन इस बात का अफसोस रहेगा कि हम दोनों मिल नहीं पाए। शहनाज, ये मत सोचना भूल जाएंगे तुम्हें, दूर रहकर भी चाहेंगे तुम्हें। अगर शौहर बनकर रास ना आए तो अजनबी बनकर भी याद आएंगे तुम्हें। शुक्रिया अख्तर, मेरा काम हो गया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। कमिश्नर साहब, इन दोनों बज़ातों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कमिश्नर साहब, इन्हें इनके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। आप दोनों चलिए मेरे साथ।